हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, एक जो अनबिलीवेबल सी चीज़ ऑस्ट्रेलिया में होती है, जो कि हम लोगों इंडियंस को देख के एकदम थोड़ा अलग लगता है, जो कि है विंटर्स। विंटर्स ऑस्ट्रेलिया में आती है मई, जून, जुलाई में, और वैसे पूरे वर्ल्ड में आती है अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, इस टाइम पे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस समर्स के वक्त आती है, क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे, दिसंबर और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में समर्स होते हैं और बाकी वर्ल्ड में जैसे विंटर्स होता है। तो यहाँ पे जो है, इसलिए जब पीक विंटर्स होते हैं, जैसे कि जुलाई में यहाँ पे पीक विंटर्स होते हैं, तो एक और क्रिसमस का इवेंट रखते हैं। बहुत सारे लोकली मार्केट्स में विंटर्स मार्केट होते हैं, विंटर मार्केट, जो नाइट मार्केट ओपन होते हैं, और बाकी क्रिसमस भी वहाँ पे मनाई जाती है। क्रिसमस का भी एक इवेंट होता है, तो वो मई जून से ही क्रिसमस के इवेंट, क्रिसमस की डेकोरेशन थोड़ी बहुत ये लोग करने लग जाते हैं, और दोबारा से ये डेकोरेशन आपको दिसंबर में भी देखने के लिए मिलेगी, पर ये डेकोरेशन आपको मई, जून और जुलाई में भी देखने के लिए मिलती है मार्केट्स में। नाइट मार्केट्स ओपन होते हैं विंटर्स में, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग आए हैं विक्टोरिया मार्केट में, मेलबर्न के बहुत ही बड़ा मार्केट है, और ये काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है, मतलब मेलबर्न का काफ़ी बड़ा मार्केट है, जो कि सुबह खुलता है यूजुअली, बट जो विंटर्स में है ये नाइट मार्केट भी इसका ओपन होता है, बिकॉज विंटर्स में जो है दिन बहुत ही छोटा हो जाता है, रात को कोई बाहर निकलता नहीं, पर लोगों को बाहर आने के लिए मतलब बोलने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड होती है, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट जो है इस टाइप के इवेंट्स करती है, ताकि जो है रेस्टोरेंट्स और इस टाइप के मार्केट के लोगों का काम चलता रहे। और ये स्नोफॉल आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। अरे बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पे ठंड है और यहाँ पे चल रही है जुलाई, क्रिसमस इन जुलाई, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा हम लोग ठंडी लग रही है। आरू, आरू इज एंजॉयिंग विद हिज बैलून। ये रहा क्रिसमस ट्री। यहाँ पे बहुत सारे खाने आपको खाने के लिए मिल जाएंगे, ज़्यादातर एक्चुअली इस टाइम पे शॉपिंग नहीं हो रही होती है मार्केट में, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े की शॉपिंग हो रही होती है, वूलन क्लोथ्स और ये सब मिल रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली विंटर्स है और थोड़ा क्रिसमस ही फील देना, तो क्रिसमस वाली टाइप की कैप्स और जो यू नो क्रिसमस से रिलेटेड विंटर टाइप के क्लोथ्स मिल रहे होते हैं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जो है मेनली ईटरीज, खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती है, जो कि यहाँ पे क्रिसमस जब आती है दिसंबर में, तब गर्मियाँ होती हैं, तो आप तब तो वो खाने नहीं खा सकते, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो टर्की वगैरह, तब मतलब ज़्यादा जो ठंड वाले खाने तब आप नहीं खा सकते, तो इस टाइम पे ये सब खाने मिल रहे होते हैं। यू कैन ओनली एंजॉय दिस इन मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस इन जुलाई। ये देखिए क्रिसमस चल रहा है और स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, खाने की चीजें मिल रही हैं। वी विल हैव आवर फेवरेट डोनट, व्हिच इज अमेरिकन डोनट। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं, ये दो दो बार ये लोग क्रिसमस मनाते हैं, और वो जो एक माहौल होता है ना क्रिसमस का, एंजॉय करते हैं जुलाई में भी, और यूजुअली जैसे विंटर्स इन थोड़े सैड हो सकते थे, क्योंकि ठंड जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है और ठंड होती है तो लोग जल्दी घर के अंदर रहते हैं, पर ये लोग क्रिसमस जुलाई क्रिसमस के इवेंट्स की वजह से रात को भी लोग निकलते हैं, नाइट मार्केट्स होते हैं, और ये देखो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और ऐसे आर्टिस्ट आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, डेकोरेशंस भी हुई होती हैं, तो इस वजह से जो है विंटर्स भी खुशी खुशी निकल जाती है, और ये मई से ही इसका ये जो कार्यक्रम शुरू हो जाता है, नाइट मार्केट्स भी बहुत टाइम से शुरू रहते हैं, और ये देखो यहाँ पे क्रिसमस के आपको चीज़ें भी मिल रही हैं, जिंजर ब्रेड ये सब, पर हम लोगों को तो मेनली खाने के लिए, हम लोग आए थे नाइट मार्केट देखने के लिए, हम लोगों ने कोई शॉपिंग खास करी नहीं थी। फ्रेंड्स, ये तो मेलबर्न का मार्केट है, पर पूरे ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह पे एडिलेड, ब्रिस्बेन, हर जगह नाइट मार्केट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और हम लोग तो खाने की फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देखा फिर, क्योंकि रात हो गई थी तो थोड़ी भूख लगी थी हम लोग, और देखिए यहाँ पे स्वागत है भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं मेलबर्न में, तो स्वागत है भी हिंदी में उन लोगों ने लिख दिया, और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। फ्रेंड्स, वैसे मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिसमस इन जुलाई का, ये यूरोप के कुछ टूरिस्ट आए थे 1980s में, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, वो लोग जुलाई में यहाँ पर आए थे और विंटर्स इन्जॉय करने के लिए, उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे विंटर्स में कुछ भी खास कुछ हो नहीं रहा है और जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है, तो उन लोगों ने ये स्टार्ट किया था और बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। और ये देखिए हम लोगों को डोनट्स मिल गए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है डोनट्स, क्योंकि
जो वैसे मेरे को मीठा खास पसंद नहीं है, बट विंटर्स में ये गरम गरम खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। हालांकि जब समर्स में मेरे को ये इतना खाने पसंद नहीं, और मुझे मीठा भी खैर खास पसंद नहीं है। तो हम लोग फिर ढूंढ रहे थे कि मिल तो गए थे डोनट्स, कि कहाँ बैठ के खाएं। तो हम लोगों यहाँ पे जो है आग के पास हम लोगों ने सोचा कि खाते हैं। और विंटर्स में जैसे कि दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वैसे भी 3-4 बजे के बाद लोग घर में घुस जाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। बट जो विंटर मार्केट की वजह से रात को आप बाहर वॉक पे आ जाते हैं, हम लोग तो सिटी में ही रह रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मई जून जुलाई में आप रात को यहाँ पे मार्केट में आ जाओ तो आपको अच्छा लगता है, नहीं तो 3-4 बजे के बाद तो आप बच्चे को पार्क में भी नहीं लेके जा सकते, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और देखिए आरू भी कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, वो इस माहौल को भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं तो विंटर्स में तो वो निकल ही नहीं पाते बिल्कुल भी बाहर, बेचारे घर के अंदर बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग ये देख के अच्छा लगोगे, ये छोटा सा मेरा व्लॉग। बड़े व्लॉग्स भी आते रहेंगे पर ये मैंने छोटा सा डाल दिया था, क्योंकि हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं ये जो टाइम होता है, स्पेशली क्योंकि नो समर्स में तो आप निकलते रहते हैं पर विंटर्स में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप देना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।